कुछ दिनों पहले इसी तरीके से बारात लगाई थी मैंने, दुकान लगाई थी यूं कहना चाहिए, किसकी, कढ़ाई की, कि कढ़ाई लेने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। तो आज भी मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि इडली मेकर या दो ये ढोकले स्टैंड या स्टीमर यदि आप लेने का सोच रहे हैं तो लेने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों और अपने घरों में सुरक्षित हों। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ, बल्कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। आज हमारा एक स्पेशल वीडियो है जो कि आपकी एक रिक्वेस्ट है। बहुत सारे व्यूवर्स का कहना था कि अभिलाषा हमें इडली स्टैंड चाहिए या ढोकला मेकर चाहिए, तो हम कौन सा लें? काफी दिनों से इस वीडियो को बनाने के लिए सोच रही थी मैं, सॉरी लेट हो गया। आज वो दिन आया है, आज मैं सारा पिटारा लेकर के बैठी हूँ और आपके साथ दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से ढोकला स्टैंड है या इडली मेकर है और उनमें से कौन सा बेस्ट है। मतलब आप कंपैरिजन देख सकते हैं, जब से 21 साल से शादी हुई है सबसे पहली चीज जो ब्रेकफास्ट में कुछ अलग बनाने की शुरुआत की गई थी, जिस जमाने से कुकिंग शुरू की है तो पूरी पराठे रोटी तो रोज बनती थी। जैसे कुछ संडे होता था, हस्बैंड की छुट्टी है, जब बच्चे भी नहीं थे तब भी होता था कि संडे कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो क्या बनाया जाए, तो इडली बनती थी अक्सर। और सबसे पहली खरीदारी जो कि इडली मेकर या इडली स्टैंड जिसे कह सकते हैं, वो मैंने परचेज किया था तो 2002 से जो पहला खरीदा था वो तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। स्टील का जैसा होता है वैसे ही एल्यूमिनियम का था और प्लेट्स होती थी और एक स्टिक होती थी उसमें लग जाती थी। 6 प्लेट का लिया था, वो किसी भी भगोने या कुकर में रखा जा सकता था ऐसे डाल करके, और फिर ऊपर से ढक दो कुकर या भगोना, कुकर की सिटी निकाल ली जाती थी और उसमें यूं करके स्टैंड, क्योंकि वो सस्ता था उस समय, 100 रुपए का, अमरावती से लिया था मैंने। लेकिन वो मेरे पास है नहीं कि मैं अभी आपको दिखा भी पाती पकड़ करके, वो मैंने दे दिया था किसी को, क्योंकि उसके बाद जब मैंने सेकंड लिया इडली का कुकर तब बच्चे हो चुके थे। वहां से शुरू करती हूँ मैं आपको दिखाना, और ये सारे के सारे रखे हुए हैं हमारे इडली और ढोकला मेकर, तो मैं आपको एक एक करके सारा दिखाऊंगी और सबके बारे में जितनी मुझे जानकारी है मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। तो बर्तनों की बारात के बीच में मैं बैठ चुकी हूँ, ये हमारी ढोकला और इडली की दुकान। मैं जो भी रिव्यू दूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे मैंने फील किया है। सबसे पहला जो मैंने 100 रुपीज का लिया था तो वो था कुछ इस तरीके का, जैसे ये होता है इस तरीके का एल्यूमिनियम का 6 प्लेट का लिया था मैंने, जिसमें कि 4 इडली बनती थी और उसको यूं पकड़ के कुकर या भगोने में डाला जाता था। वो मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन वो 100 रुपीज का था, बहुत बढ़िया था। 4 बनती थी एक प्लेट में और इस तरीके की 6 चौके 24, 6 प्लेट थी, 24 बन जाती थी एक ही बार में, एक बड़ा सा भगोने में पानी डाल करके उसमें रखते थे। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, लेकिन समय के हिसाब से हमारी जरूरतें बदलने लगती हैं, हमारी च्वाइस बदलने लगती है। जो एल्युमिनियम हम बचपन से लेते खाते यूज करते चले हैं, अचानक से हमें स्टील के बारे में जानकारी मिलती है, दोनों के कंपैरिजन समझ में आने लगते हैं एल्युमिनियम के बारे में या स्टील के, क्या हानिकारक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, तो फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब हमें, तब तक भी जानकारी नहीं थी कि एल्युमिनियम यूज नहीं करना है, बस फर्क क्या था, जब मैं उसको भगोने या किसी दूसरे बर्तन में डालती थी तो फिर मुझे वो बर्तन भी धुलना पड़ता था और वो स्टील का जो भगोना होता था तो नीचे खारा पानी के निशान लग जाते थे। सिर्फ ये चीज नापसंद थी, इस वजह से फिर जब हमने सोचा कि अब हम लेंगे तो हम इडली कुकर ही लेंगे। पहले तो हमने सस्ते के चक्कर में 100 रुपए में ले लिया था, अपना बजट देखता ना हर इंसान, 2003 की बात है, यानी कि 20 साल पहले की बात है। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें इडली का कुकर लेना है। अमरावती से ही तब हम लोग शॉपिंग करते थे और तब हम लोग मुर्तजापुर में पहुंच चुके थे माला से, तब हमने ये वाला कुकर लिया। ये हमारा सेकेंड इडली कुकर है और ये हमने अमरावती की काफी फेमस अंबा देवी मार्केट है उस लेन पे बर्तनों की दुकान हुआ करती थी, वहां से लिया था। हम ट्रेन से जाया करते थे मुर्तजापुर से अमरावती शॉपिंग करने, वहां से ये हमने लिया था। और देखो आज भी बिल्कुल परफेक्ट रखा है, क्योंकि एवरी संडे तो ये बनता ही था, फिर जब बच्चे हो गए फिर धीरे धीरे बच्चों की पसंद के हिसाब से रात के खाने में भी
इडली सांभर बनना शुरू हो चुका था। इसके साथ में क्या था कि अच्छी बात यह थी कि पानी डाल दो और फिर इसके अंदर प्लेट लगा दो, तो मुझे अलग से भगोना या थाली ढक्कन की जरूरत नहीं पड़ती थी और इसको ऐसे ही बंद कर देते थे। यही मुझे पसंद था। ये था 250 या 300 के बीच, यानी कि वो 100 का था तो ये 300 का था, तो हमने ये सोचा कि 200 रुपए का, तो ये यही है 300-350, मतलब ऐसा ही था। एग्जैक्टली इसकी प्राइस याद नहीं, लेकिन वो 100 वाली पहली खरीदारी जरूर याद है। ये ऐसा ही था, मतलब 500 के अंदर में ही। तो इसके साथ में थी, एक प्लेट में चार बनती है, तो ये ऐसे ऐसे करके लगा के दिखाती हूँ मैं, तो ये हाँ 3 प्लेट बनती इसमें लगती है, तो ये पूरी की पूरी 4 प्लेट है, एक प्लेट में 4 चौके 16, इसमें 16 बनने लग गई थी। और ये पूरी इस तरीके से अरेंज कर दी जाती है कि जो सबसे छोटी है वो नीचे, फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, और इस तरीके से ये 4 का सेट हो गया। तो ये बहुत दिनों चला और बहुत अच्छा था, इसकी मैं बिल्कुल भी बुराई नहीं करना चाहती, ये बहुत अच्छा है और आज भी बहुत अच्छा है। तो सस्ते में अगर किसी को लेना है तो ये ले सकते हैं। तो ये हमारा अच्छा खासा चल ही रहा था, फिर हम लोग किसी दूसरी खरीदारी के लिए गए अमरावती में ही, उसी मार्केट में, उसी शॉप में, तो हमें ये देखा मिनी इडली। तब बच्चे हो चुके थे, फिर ये होता है कि उसको जब कभी फ्राई इडली करना हो, बच्चों को जैसे सांभर नहीं कभी बनाना है, सिर्फ इडली बनाई और फ्राई करना है, तो बड़ी इडली को हमें नाइफ से कट करके फिर फ्राई करनी पड़ती थी। ये मार्केट में दिखा और ये भी सस्ता था क्योंकि ये सिंगल, जब इस तरीके की प्लेट्स वाला आप लेते हैं, आपके साथ कुकर या भगोना नहीं मिलता है तो इनकी प्राइस कम होती है, लेकिन इसी के साथ में अगर आपको भगोना बर्तन मिल जाता है तो इसकी प्राइस प्लस हो जाती है। फिर हमने सोचा भगोने में डाल लेंगे और इसमें बना लेंगे। ये मिनी इडली है, 3-4 कलर की मैं बनाया करती थी उस समय, एक में हल्दी जरा सी डाल दो, एक में थोड़ा सा कोई फूड कलर डाल दो, ऑरेंज तो रेड व्हाइट इस तरीके का थोड़ा सा पेस्ट पीस के डाल दो, ग्रीन कलर का पालक प्यूरी, तो इस तरीके के रेड ग्रीन व्हाइट ऐसे कलरफुल बटन्स जैसी इडली बनती थी। पहले मैं बच्चों के, जब बच्चे छोटे थे उनको खिलाने के लिए बड़ा जतन करने पड़ते थे ना, अकेले रहो फिर उनको खिलाओ मनाओ, तो ये इडली और बच्चे बड़े शौक से खाते थे। तो फ्राई इडली, मिनी फ्राई इडली बनाने के लिए मैंने ये वाला स्टैंड खरीदा था। हालांकि जब तक वो छोटे थे बच्चे तभी ये सारे चौचले हुए, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर कौन ये तीती सी इडली बनाया, बड़े वाले में ही लग पड़े। लेकिन ये लिया गया था बड़े शौक से, वो लेडीज की तो आदत होती ना, जो चीज नहीं हो वही चीज लेने की इच्छा होती है, जब चीज घर में आ गई फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये था हमारा, इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर फिर भी ये 500 के अंदर ही का था, मतलब 200-250-300 के अंदर में ही था ये वाला। ये हो गया और बहुत दिनों ये सिलसिला चलता रहा, तब तक हम इडली तक ही थे। फिर शौक आया ढोकले बनाने का। अब ढोकले तो बनाने हैं, ढोकला मेकर या ढोकला स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो ढोकले के लिए मैंने क्या किया मैं दिखाती हूँ। इस तरीके के तसले, इसको हम तसला कहते हैं यूपी में, और मेरी शादी में 4-6-8 मिले होंगे करीब, तो ये मेरे पास खुद यहाँ पर 4-6 हैं, जबकि 1-2 मैं लोगों को दे चुकी हूँ। तो क्योंकि इसमें हम लोग के यहाँ देन लेन चलता, मायके से बहुत आते हैं तसले भर भर के सामान, तो ये वही थे, ये मेरे पास यहाँ थे। ढोकला बनाना था तो मैंने एक लेडी को देखा, वो थाली पे ढोकला बना लेती थी, तो थाली में ढोकले बनाने हैं लेकिन थाली होती है बड़ी साइज की, प्लेट होती है बड़ी साइज की, तो उनको रखेंगे किस में, भगोने में वो नहीं जाता था। तो फिर मैंने ये तसला तड़ा से उठाया जो अपने घर में रखा रहता है, और इसमें ही पानी डाला और एक स्टैंड रखा और उसके ऊपर ग्रीस करके थाली में ढोकला का बैटर डाला, जो कि मैं बेसन इंस्टेंट ढोकले बनाती हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो वो मैं ढोकले को थाली में रख करके और इसके ऊपर दूसरा वाला तसला ढक देती थी, मतलब इसी साइज का एक तसला है उसको ढक दिया, या इसे थोड़ा बड़ा भी रहा तो भी चलता है, क्योंकि जब भी आप ऊपर कोई बर्तन ढके तो हमेशा थोड़ा बड़ा रहा तो पानी अगर नीचे से गिरता है ना भाप वाला, वो ज्यादा बेटर होता है, वरना वो ढोकले में गिरता है, इसीलिए हमेशा थोड़ा बड़ा साइज का ही कवर लेना चाहिए जो इससे बाहर निकला हुआ हो। तो ये जो इसका दाग धब्बा निशान बना है ना, वो इसीलिए क्योंकि मैं इसको इंडक्शन में रखती थी, इंडक्शन में मैंने एक बार रखा, पानी तो डाला लेकिन लेमन डालना भूल गई, और जैसे इस ढोकले में कई बार 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है तो वो पानी कम था तो ये जल गया, तो ये मैंने खराब किया तसला ढोकले के लिए। और इतना शौक था ढोकला बनाना है लेकिन हमारे पास ढोकले का कुछ मेकर नहीं है। सालों ये सिलसिला चला, पाचोरा में आ चुके थे हम, ये तसला हमने पाचोरा में जलाया था रेलवे क्वार्टर में, तो इसमें बनता था। इसके बाद ये हुआ कि एक प्लेट में कई बार जो हमने बैटर बनाया तो एक थाली के हिसाब से कम हो गया, और
फिर दोबारा बनाओ, दो शिफ्ट में बनानी पड़ती थी ढोकले की प्लेट, तब सबका नाश्ता हो पाता था, तब दोनों बच्चे भी थोड़े बड़े हो ही चुके थे, चार लोगों का नाश्ता एक प्लेट में नहीं हो पाता था, तो हमें दो शिफ्ट लगानी होती थी और तसला यही था और थाली में रखते थे। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से ऐसे बोला कि यार बड़ी दिक्कत होती है और ये देखो मैंने आज जला दिया या जल गया जो भी है, तो उसने मुझे बोला कि ढोकले की प्लेट्स का सेट आता है तुम वो ले लो और तुम अपने इडली स्टैंड वाले में डाल देना, यानी कि ये जो इडली मेकर है इसी में पानी डालोगी तो तुम्हारा बर्तन जलेगा नहीं और इसमें लाइन से तुम वो इडली का प्लेट रख दोगी। बहुत ढूंढा गया मुर्तजापुर ढोड़ी बाजार अमरावती बाजार ढोड़ी काफी मार्केट देखी और इसके बाद ये मिला, एक मेरी फ्रेंड है उन्होंने दीवार बताया ये प्लेट्स का सेट। तो ये प्लेट्स का सेट कुछ इस तरीके से आता है कि एक ये जाली दी जाती है, इस जाली के बाद ये एक इसमें आपको जितने भी ढोकले बनाने हो, जैसे बड़ी फैमिली है ज्यादा चाहिए कम चाहिए दो तीन शिफ्ट नहीं, ये ऐसे और ये ऐसे लग जाता है और इसकी शेप आप देख रहे हो इसी तरीके से नीचे कम ऊपर ज्यादा ऊपर ज्यादा ऊपर ज्यादा, जैसे कि ये इडली के कुकर होते हैं जो कितना चमक रहा है ये वाला कुकर सफेद, और कितने साल हो गए 20 साल हो गए अमरावती का है ये, तो ये इस तरीके के रख जाता है, यानी कि पानी आपने नीचे कुकर में डाला और ये जाली रख दी और इसके ऊपर ये लाइन से चार, तो यानी चार प्लेट ढोकले एक साथ बन जाते हैं इसमें, तो इसमें बहुत दिन बनाए गए, चार की जरूरत तो नहीं पड़ी कभी भी, दो प्लेट में हो जाता है ढोकला आराम से, जो कि मैं कई बार आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और इनको आप कढ़ाई में भी रख सकते हैं भगोने में भी रख सकते हैं, लेकिन वही था ना कि बर्तन खराब ना हो तो मैं यही प्रेफर करती थी कि इडली वाले स्टैंड में ही चले जाएं इस वाले में। ये देखो इसकी प्लेट निकाल के मैंने अभी अरेंज करके भी आपको दिखा देती हूँ, हालांकि अरेंज करने में भी टाइम लग जाता है, तो फिर आपको ये देखो तीन ये प्लेट आराम से आ गई और इसके ऊपर ये ऐसे, तो इसमें तीन प्लेट ढोकले की बन जाती है। जब चौथी भी रखनी हो तो जो नीचे वाली है उस जैसे छोटी वाली आप हटा लो तब आप बड़ी वाली रख सकते हो, या फिर नीचे जो मैंने जाली लगाई है वो जाली ना लगा करके आप पानी भर करके और कोई ऐसी प्लेट रख दो और फिर क्योंकि वो काफी बड़ी वाली है ना उसके बाद आप ये चार अरेंज कर लेते हैं और इसे आप कवर कर लेते हैं, तो मतलब इसमें ढोकले बनते गए ये सिलसिला चला। अब इडली और ढोकले का जुगाड़ तो हो चुका था, फिर कुकिंग का पैशन बढ़ने लगा, फिर स्टीमिंग की बारी आई कि ढोकला और इडली तो बन जाता है लेकिन अगर हमें पात्रा बनाने हैं या हमें बट्टी बनानी है तो हम स्टीम के लिए क्या करें। फिर विनोद के तो हम बड़े भाई जबरदस्त फैन थे विनोद कुकवेयर के, हमारे पास दो चार बर्तन है विनोद के जो कि बहुत ही बड़ी बेहतरीन है मतलब ये कहना चाहिए, तो जब मार्केट में गई एक बार कुकर लेने स्टील का स्टेनलेस स्टील जो मेरे पास कुकर है सेट ऑफ टू, तभी मुझे मार्केट में उसी शॉप में भुसावल में ये हमने भुसावल से लिया, यहां तक हम भुसावल आ चुके थे और इस घर में आ चुके थे, मेरी फ्रेंड भाभी जी उनके साथ में गई थी, ये हमने विनोद का स्टीमर देखा, तो हमें पता चला कि स्टीमर में भी एक होता है एक बर्तन वाला स्टीमर ले सकते हैं ये, यानी कि इसमें पानी भरा और इसको ऊपर लगाया तो इसमें आप वो मुट्ठियां है या फिर पात्रा है कई सारी चीजें बट्टी है इसमें स्टीम कर सकते हैं, और इसकी ये ग्लास लिड है इसके साथ ये स्टीमिंग का काम करेगा। इसमें भाप वाले पोहे भी बनते हैं, जो भाप में स्टीम वाले पोहे बनते हैं वो भी इसमें बहुत बढ़िया बनते हैं, दो चार बार शौक से बनाए भी गए हैं उसके बाद लग गए अपने पुराने स्टाइल में, तो पता चला कि इसमें भाप में पोहे ऐसे पूरे सेट करके रख दो और स्टीम में पोहे बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये ले लिया गया इसी घर में थे और भुसावल से खरीद के लाए ये, तो फिर जब ये लेना था तो एक डिश का लो चाहे दो डिश का, तो फिर वही होता है जब ले रहे होते हैं तो लगता है कि ये खट्टा ले लो दो बारा फिर कौन बार बार लेगा, क्योंकि एक में तो काम नहीं हो पाता ना, कोई भी चीज आपको सेकंड शिफ्ट लगानी पड़ेगी, तो फिर मैंने ये स्टीमर लिया था और शायद इसकी प्राइस 1000 के अराउंड थी, 1100 या 1000 के अंदर में था, तो ये स्टेनलेस स्टील का है, इसका जो ये पॉट है ये बहुत हैवी है बॉटम इसकी, विनोद की बर्तनों में ये खासियत होती है इंडक्शन बेस्ड है और ये गैस में भी चलता है, यानी यहां से हम इंडक्शन पे आ गए थे, ये सारे जो भी कुकर थे ये सारे गैस तक ही थे, फिर इंडक्शन की शुरुआत हुई तो ये इंडक्शन बेस्ड बर्तन लिया हमने, तो ये हो गया यहां तक ये स्टीमिंग वाला था।
और जब ये विनोद का स्टीमर आया तो ये जो एल्युमिनियम की प्लेट थी जो मैं इडली वाले स्टैंड में लगाती थी वो इस तरीके की आपने वीडियो में देखा होगा। इसी किचन में हमने कई बार शेयर किया है ढोकले, तो मैं स्टीमर वाली प्लेट में ये इस तरीके के डाल देती थी प्लेट्स, ये वाले, और एक के बाद एक कंटेनर ऐसे लग जाते थे और ये ढोकला प्लेट तैयार। क्योंकि नीचे जो ये स्टीमर होता है, स्टीमर वाले में स्टीम तो होता है, तो यानी कि आप पात्रे और मुठ्ठियां वगैरह तो बना ही सकते हैं, ऐसी प्लेट्स भी रख करके ढोकला भी बना सकते हैं। तब हमने सोचा कि ये स्टील का है और इसमें स्टीमिंग भी होती है, मतलब हम ढोकले भी बना सकेंगे और वो भी बना सकेंगे, स्टीम वाला काम भी कर सकेंगे। फिर जब भी मैं इसमें वीडियो बनाने ढोकले बनाने लगी तो बहुत से लोगों ने मुझे टोकना शुरू किया कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में ढोकला ना बनाएं, आप साइट्रिक एसिड यूज करते हैं उसमें और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एल्युमिनियम में कुकिंग नहीं करनी चाहिए। ये बात 2 साल हो गया, 2 साल से फिर एल्युमिनियम को बाइकॉट शुरू हो गया। इतना कमेंट्स में पढ़ने लगी इडली का, जब भी इसमें इडली बनाया उस वाले में तुरंत शुरू कमेंट्स एल्युमिनियम में इडली ना बनाएं, एल्युमिनियम कुकर चेंज कर लें, और जब इसमें बनाओ ढोकला तो एल्युमिनियम में ढोकला ना बनाएं, एल्युमिनियम ढोकला स्टैंड चेंज कर दें। ठीक है, अब फिर चेंज हुआ, तो चेंज हुआ किससे, इडली के कुकर से। ये भी भुसावल का ही है, इसी घर में इसी किचन में रहते थे, 2 साल हुए। ये है इडली का जब आया कुकर, तो ये विद लिड, इसमें पॉट भी है और 2 इडली के प्लेट्स हैं, साथ में एक स्टीमिंग वाला है ये पात्रा प्लेट जिसमें कि ढोकला मैंने, हाँ फिर जब उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम में ढोकला ना बनाए तो ढोकले की शुरुआत फिर स्टील वाले में इसमें शुरू हुई। इस कई बार वीडियो में आपने देखा है कि फिर ये इडली का आया स्टैंड जिसमें कि 2 प्लेट्स हैं और एक ये तीसरी, 3 प्लेट्स हैं, एक प्लेट में 5 इडली बनती है, तो ये इस तरीके से एक के बाद एक रख करके ये 3 इडली बनने लगी और खूब वीडियो आपने देखे होंगे और इडली इसमें बनने लगी। और इसी बर्तन में जब मुझे ढोकला बनाना होता था, क्योंकि एल्युमिनियम यूज ना करें, एल्युमिनियम बाइकॉट, तो फिर इसमें ही मैं ये था ये पात्रा प्लेट ये वाला, लेकिन इसके जो होल्स थे ना वो बहुत बारीक थे, तो बस ऑयलिंग करके तुरंत ही इसमें वैसे रख देती थी ढोकले। तो मैंने इस वाले कुकर में बहुत बार ढोकले बनाए हैं, यदि कभी लग रहा है कि गिर रहा है तो वो इको बेक, इनको यूनी रैप्स लगा करके इसमें फिर डाल देती थी बैटर, वो होल से बाहर भी नहीं आता था और इसमें बढ़िया ढोकले बनने लगे, यानी स्टील के कुकर में इडली भी बनने लग गई और ढोकले भी बनने लगे। इसकी प्राइस है 1000 रुपीज या 950 रुपीज, 950 रुपीज का था ये, मतलब ये 1000 के अंदर में, लेकिन इसमें सिर्फ एक पात्रा प्लेट है ये, इसी में मैं ढोकले बना लेती हूँ लेकिन मुझे अलग से ढोकले की प्लेट नहीं है और 3 इडली के प्लेट्स हैं और ये ऐसे कुकर। और यहाँ पर मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूंगी, देखो ये जो ब्लैक कलर के होते हैं ना पकड़ने वाले, ये हमेशा लूज हो जाते हैं, हर बार इडली बनाओ, हर बार इनको कसो और हर बार ये लूज मिलेंगे, या तो कभी गिर गया है स्क्रू निकल जाता है ये, इसलिए जब भी आप ऐसी प्लेट्स लें जो निकलने वाली होती हैं तो ये ब्लैक वाली ना हो करके जिसमें स्टील के आजकल हैंडल पकड़ने वाले बने हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं, ये लूज हो ही जाते हैं, हर बारी में इनको कसती हूँ और ये डुग 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 हिलते रहते हैं, मतलब लगता है कि अब गिरी इडली की तब गिरी है देती, जब हम प्लेट उठा के रख रहे होते हैं ना, जब हमने भर दिया सारा बैटर अब हम डाल रहे आहिस्ता से, तो हर बार ऐसा लगता है जैसे ही मैं इसको कुकर में डालूंगी ये धाम से गिर ना जाए। ये देखो हिल रहा है, हिल रहा है ये, और ये बिना हिले ही हाथ में आ गया, अभी मैं दिखाई रही थी तो ये हाथ में आ गया, अभी बाद में कसूंगी मैं इसको, तो इसलिए ये वाले मत लेना कभी भी लेना, तो ये वाले नहीं लेना तो कैसे लेना अभी मैं दिखाती हूँ। ये इडली में आजकल ऐसी प्लेट्स में स्टील के ये हैंडल आते हैं, इनको आप ऐसे पकड़ के निकालेंगे, इसमें देखो सेंटर पे नहीं है वो जो डुग 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 हिलता था, तो वही चीज हो जाती है, जितना पैसे में फर्क आएगा, अगर वो 900 या 950 का था तो ये 1100 का आता है, 100 रुपए ज्यादा लग जाएंगे, 100-150 रुपए, पर चीज हमेशा देख करके समझ के लेनी चाहिए। देखो इसमें कितनी बन रही थी, 5 इडली, और इसमें कितनी बन रही है, 7 इडली एक प्लेट में, और इसके साथ है 2 ये इडली का है और एक स्टीमिंग प्लेट है, तो ये मेरा नहीं है, ये बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड है आशा, उनका है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जब आप लेंगे तो ये वाला देखो 900 का था और ये 1100 का है, 200 रुपए ज्यादा चीज लगी, पर इसमें खासियत ये है कि ये जो चीज मैंने बताई ये मजबूत और टिका हुआ, इसकी स्टील में भी फर्क है, इसकी स्टील भी बिल्कुल हल्की है,
तो कभी भी आप लें मार्केट से कोई भी चीज देख परख करके, तो अगर 150 रुपए का फर्क है तो आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि सामने रख करके आप चीज देखेंगे तो आपको क्वालिटी में फर्क आएगा। ये दोनों ही भुसावल की मार्केट की शॉप का ही है और ये ज्यादा अच्छा है। इसकी स्टील अच्छी है, मजबूत है और इसकी कढ़ाई भी हैवी है। और उसकी कढ़ाई देखा दिखाया था मैंने कि नहीं, इसका जो बर्तन बहुत हल्का है, इसका बॉटम बहुत हल्का है। इंडक्शन में ही मैंने यूज किया, कभी गैस स्टोव में इसको रखा ही नहीं है, फिर भी देखो ये नीचे से। एक बार मैं नींबू डालना भूल गई थी और पानी इसका हुआ खत्म और ये तुरंत जल गया, लेकिन ये हल्का है ही, इसकी बॉटम हल्की है और इसकी हैवी है कढ़ाई। तो ये 1100 का है, इसकी देखो बॉटम देख के ही लग रहा है ना हैवी बॉटम है, गेज अच्छा है इसका और इसमें ये प्लेट्स भी मजबूत है। और ये चीज मैंने कंपैरिजन बताया तो आप ये जरूर देख के लीजिएगा कि स्टील वाले ही हैंडल हो, वो स्क्रू वाले नहीं हो, वो यूजलेस है। और पर ये है कि देने लेने के लिए अच्छा रहता है, कई बार लोग गिफ्ट में देते हैं तो सोचते हैं कि मतलब फिर प्राइस का बजट रहता है ना इस वजह से। और ये इसके साथ स्टीमिंग प्लेट मिली है तो यानी पात्रा का है, इसमें ढोकले का नहीं है। तो लेकिन जो लोग ये कढ़ाई लेंगे तो इसके साथ लिड ये वाला है, तो ये लिड हो गई और ये स्टीमिंग वाला हो गया। पर ये जब कढ़ाई लेंगे आप तो आपकी कमी रह गई ढोकले की, इडली की दो प्लेट्स हैं और एक पात्रा प्लेट है और 1100 का है। तो अब मैं आपको फाइनली लास्ट में दिखाने वाली हूँ जिसमें आपकी सारी चीजें हैं जरूरत की, जिसे वाकई में यूज करने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। पैसे इन सभी से थोड़े ज्यादा ही हैं, लेकिन चीज आपने एक बार ली तो आपको आगे शिकायत नहीं रहेगी। और एक कंपैरिजन और दिखा रही हूँ, देखो ये वाली जो मैंने बताया था 1100 की कढ़ाई है और ये 900 वाली जिसमें स्टीम वाली मिला हुआ प्लेट, तो ये बिल्कुल हल्की सी है ये वाली प्लेट। और ये वाली स्टीमिंग वाली भी देखो इसकी बड़ी है और भारी है, साइज भी बड़ा है और भारी भी है। तो उस 200 रुपए के फर्क में आपको चीज की क्वालिटी में भी फर्क है। और अब लास्ट में जिसकी तारीफ करने वाली हूँ मैं, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने रिव्यू किया है इस कढ़ाई का। इस कढ़ाई का लिड बहुत हैवी है इसका, और इसका हैंडल भी अच्छा मजबूत है, स्ट्रांग है। इसकी बॉटम जो है ना वो बहुत हैवी है और 18 गेज की है ये बॉटम। और ये इंडक्शन में भी यूज होता है, गैस स्टोव में भी यूज होता है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है। तो इस कढ़ाई के साथ सबसे अच्छी चीज है कि दो ये प्लेट्स हैं इडली की, जो कि मैंने अभी कंपैरिजन बताया कि ये पकड़ वाली ज्यादा अच्छी रहती है। इस पकड़ के साथ है, जैसे 7 इडली उसमें बन रही होती है वैसे ही ये 7 इडली इसमें बन रही है। तो ये 7 इडली एक प्लेट में और दो, एक बार में दो प्लेट बन जाएंगी इडली की। तो ये आप कुकर की इस कढ़ाई पे ऐसे रख लेते हैं और इसको ऐसे ढक देते हैं। तो ये हो गया इडली के लिए। तो यहाँ पर दो प्लेट इडली की हैं, लेकिन इसमें 6 प्लेट मिली हुई है, ये चीज अच्छी है। आप इस कढ़ाई से आपकी इडली की जरूरत भी पूरी होती है, वो भी स्टेनलेस स्टील में। और साथ ही इडली के लिए मिनी जो मैंने ये दूसरा खरीदा था, इसको खरीदने की जरूरत नहीं, ये न्यू जनरेशन के लिए सारी चीजें सोच समझ के हैं, क्योंकि उनके घर में कम सामान रह के भी उनकी जरूरत का सारा सामान रहे। हम लोग के जमाने में इतनी सुविधा नहीं थी, पहले बड़ा वाला लो फिर छोटा वाला लो फिर ढोकले के लिए लो। अब की जनरेशन के लिए है कि मल्टी पर्पस के लिए एक ही बर्तन में सारी चीजें। अब ये है मिनी इडली का, इसी के साथ में है, इसी कढ़ाई में, इस कढ़ाई के साथ में आपको मिनी इडली भी मिल जाएगा। और इसके साथ फिर ये जब हम लोगों ने चार चार चीजें ली थी, ये उसका 6-in-1 है। ये हो गया इडली के लिए, मिनी इडली के लिए, छोटे बच्चों वाली बात जो मैंने शेयर की थी। और इसमें भी स्टैंड इस तरीके का है, वो बीच वाले का कोई मसला नहीं है। और इसकी जो बटन इडली है इनकी साइज बड़ी है, देखो इसकी साइज छोटी और इसकी साइज बड़ी है। ये हो गया तीसरा, इसी के साथ मिल रहा है ढोकला, जो कि जब मिनी इडली के बाद ढोकले का शौक चढ़ा था हमको, अगर हमें तब पता होता तो हम यही लेते, लेकिन तब बजट भी तो हैवी था ये उसके उस जमाने के हिसाब से। आज ये देखो दो इसमें ढोकले प्लेट हैं, डीप ढोकला प्लेट्स हैं, मतलब कि ढोकला फूल करके भी ऊपर उठ जाए और ये जो उंगली का इतना है, इतना डीप है ये, एक पोर से थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब इसको डीप ही कहेंगे क्योंकि इतना बढ़िया है। ज्यादातर ढोकले की बहुत पतली सी प्लेट मिलती है कि एकदम लेयर जैसे ढोकले ही बन सके स्टीमिंग में, इसमें अच्छी है, स्टील अच्छी है। और इस कढ़ाई में एक साथ दो
ढोकले प्लेट्स। बहुत दिनों से मैं इसलिए रिव्यू नहीं दे पा रही थी कि मैं ऑनेस्टली तारीफ किसकी करूं, इसीलिए टाइम लगा। अब जब ये मेरे पास आई तब मैंने कंपैरिजन समझा, तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं बोल सकती हूँ आपसे, अपने फ्रेंड से कि हाँ ये ले लो आप, 150 रुपए ज्यादा लगेंगे लेकिन तुमको अच्छा लगेगा, यही सोच के फिर मैंने, इतना लेट हुआ जो अगर कई बार देर भी होती है तो शायद भगवान की मर्जी होती है, और ये अभी मेरे पास आई तो इसलिए मुझे इसका कंपैरिजन सबसे समझ में आया, और उन सबकी मैं तारीफ के लिए इतने अच्छे से बता नहीं पा रही थी। तो ये दो प्लेट एक साथ ढोकले की लगेंगी, और ये बढ़िया फैमिली के लिए, बड़ी फैमिली तो दो प्लेट ढोकले लगा लो एक साथ, छोटी फैमिली तो एक ही प्लेट में आराम से हस्बैंड वाइफ नाश्ता कर सकते हैं ढोकले का। तो ये हो गया, अब जब ढोकला भी हो गया, मिनी इडली हो गई और बड़ी इडली हो गई, तो अब भाई अगर कुकिंग करते करते उनको और शौक आया न्यू जनरेशन में, जब भाई स्टीमिंग भी कुछ करनी है, बाटी खानी है, या फिर वो बनाना है पात्रा और या फिर मुठ्ठियां, तो ये देखो स्टीमिंग प्लेट भी है और अच्छी खासी साइज है, बड़ी है, हैवी है, और इसमें भी साइड स्टील के लगे हैं तो ये इसमें लग जाएगा, और ये लिड किया कढ़ाई, यानी 6 प्लेट हैं, 2 इडली प्लेट, 2 ढोकले प्लेट, एक मिनी इडली और एक ये पात्रा। जितना तामझाम हमने पूरी की रेसिपी जोड़ने में सालों लगा दिए, वो एक ही बर्तन में सारी चीजें हैं, तो न्यू जनरेशन के लिए, हमारी छोटी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के, हमारी बेटियों की गृहस्थी के लिए और मेरी फ्रेंड्स के भी गृहस्थी के लिए ये चीज मुझे सही लग रही है, इसलिए मैं आज ये बताना चाहती हूँ। वरना कितनी बार मैंने सोचा, मैं सोचती हूँ कि ये तो क्या कितनी तारीफ करूं, किसी ना किसी मुझे कुछ ना कुछ कमी लगी रही थी ना। मेरा जो इडली का कुकर है वो देखने में सबको अच्छा लगता था, पर मुझे पता था कि वो हल्का है, वो जल जा रहा है या वो हिल रहा है, मैं बुराई क्या करूं बैठ कर। तो मैंने सोचा कि अब कुछ अच्छी चीज आए तो फिर मैं बताऊं ना, तो इसलिए। और इसकी प्राइस 1750 रुपीज है, 1750 रुपीज में ये कढ़ाई, और जिसमें 6 प्लेट्स हैं, अच्छी कढ़ाई है और हैवी कढ़ाई है। इस कढ़ाई में भी आप नूडल्स वगैरह, मतलब ऐसी जैसे स्टीर फ्राई कुछ करना है ना, उसके लिए बढ़िया है, मतलब नॉर्मल जो हल्का फुल्का काम होता है वो काम इसमें हो सकता है। जैसे आपने इडली बनाई तो ऊपर इडली बना लो, नीचे सांभर बना लो, सांभर में क्या तड़का बनाया फिर दाल डाल दी, दाल तो हमें कुकर में बॉयल करनी है, तो बॉयलिंग करने के बाद जो होता है ना हम छौंक बघार करते हैं, वो काम इस कढ़ाई में अच्छे से हो सकता है। तो ये आपका सांभर और इडली भी एक ही कढ़ाई में बन जाएगा, बर्तन भी कम हो जाएंगे। इडली आप बना लो इसी में, और फ्राई करना है तो आप इसमें फ्राई कर सकते हो, इडली फ्राई कर सकते हो, मतलब इसकी जो बॉटम है वो इस हद तक तो है कि इडली फ्राई कर दे, सांभर में छौंक लगा दे। तो अब जो भी मेरी फ्रेंड्स जिनकी ये क्वेश्चन होती थी कि अभिलाषा कौन से ब्रांड का लें, अभी तक हमसे इतने सारे हमने आइटम दिखाए, कोई ब्रांड नहीं होता था। मैं सोचती थी मैं क्या बताऊं, लोकल है, लोग पूछते थे इडली कुकर का ब्रांड नेम बताओ अभिलाषा, इसका लिंक दो, इसका ब्रांड दो, ब्रांड नेम नहीं था। लेकिन इसका मुझे पता है, ये सॉफ्टेल कंपनी की मल्टी कढ़ाई है, तो इसका मुझे ब्रांड नेम पता है, बाकी मुझे किसका ब्रांड नेम भी नहीं पता था। इस वजह से भी शायद ये रीजन था कि मैं बोल नहीं पाती थी। तो अब इसमें से जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं, जो मुझे पता था, जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यदि आपको कोई भी ढोकला मेकर नहीं खरीदना है तो भी आप भगोने में थाली को इस तरीके से रख करके थाली में ढोकले तो बना ही सकते हैं ऊपर से ढक करके। लेकिन यदि आपको ये वाली कढ़ाई लेनी है, मल्टी कढ़ाई, तो इसकी परचेजिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब जितना भी है वो मार्केट का है, तो मेरे पास लिंक नहीं है। हाँ, इसकी लिंक है तो मैं दूंगी, आप चेक कर लें। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके साथ ढेर सारी इस तरीके की अलग अलग तरीके के वीडियोस शेयर करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।